देखिए आज के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे? प्रतिशत के बारे में, यस सर। और जहाँ तक चल गए थे उसके बाद का जी मैंने क्लास तीसरा है प्रतिशत का। और आज भी हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल बहुत ही आसानी से निकालना सीखेंगे। जिसमें देखिए आपका पहला प्रश्न है कि किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने तथा इसके हर में 10% कमी करने से कितना प्राप्त होता है? 16/21 प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कि वह भिन्न क्या है। और यह सवाल आपको MBA परीक्षा 2003 में पूछा गया। अच्छा, भिन्न से हम लोग तात्पर्य समझते हैं ना जी, कोई भी चीज अगर अंश बटा हर के रूप में रहता है वही ना भिन्न होता है, होता है ना। अब बताइए अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास कोई x बटा y भिन्न है जिसमें x हमारा अंश है और y हमारा हर है। तो अब आपको कह रहा है कि भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करना। हम कल बताए थे ना कि किसी भी संख्या को या कोई भी अंक को बढ़ाना या घटाना के बारे में। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि अंश को कितना बढ़ा दिया गया, 20%। और 20% जैसे ही बढ़ावेगा तो क्या रिजल्ट होगा? x गुना 100+20 होगा ना, और बटा 100। अच्छा, और उसके बाद कह रहा है कि हर को कितना बढ़ाया है, हर को कमा दिया है 10%, माइनस 10% होगा तो हर हमारा कितना हो जाएगा, y गुना 100-10/100 होगा ना। इस तरह से हमको नया आंसर नया हर आ जाएगा। और इस तरह से जो नया और अंश नया हर आने से वह भिन्न कितना प्राप्त होता है, 16/21। इसका मतलब हम कर देंगे कि अंश बटा हर का मान किसके बराबर हो जाएगा, 16/21 के बराबर होगा। अब देखिए इतना बटे 100 तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से रिजल्ट अगर देखा जाए तो x गुना 100+20 कितना, 120। y गुना 100 में से 10 गया तो कितना, 90। ये किसके बराबर, 16/21। यहाँ से देखिए 0-0 काट दें। अब हमको तो यही x बटा y निकालना है क्योंकि हमको यही ना पूछना है कि तो भिन्न क्या था, यानी कि जो शुरुआत का मेरा भिन्न था वो है कितना। तो यहाँ से हमको अगर x बटा y निकालना रहेगा तो बताइए 9 हमारा इधर जाएगा, 9 गुना 16, और 12 हमारा इधर आएगा तो 12 गुना 21। 4 से कटेगा, 4 से कटिए ना, 3 3 9 21, 3 4 12, 4 4 16, 3 3 खत्म करेंगे हम। और यहाँ फाइनल क्या हो जाएगा, 4/7, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 4/7। कुछ दिक्कत, यानी कि हमारा भिन्न कितना था, 4/7। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी पूछेगा तो बन जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बोर्ड पर कि मोहित के वेतन में 10% कमी कर दी गई, कितना, 10%। और इस कम किए गए वेतन में फिर क्या किया गया, 10% वृद्धि कर दिया गया। तो उसके बाद पूछ रहा है कि मोहित को कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। मतलब कि शुरुआत में मोहित का जो भी वेतन है शुरुआत में उसका वेतन को क्या किया गया, 10% कमाया गया, और उसके बाद उसके वेतन को 10% बढ़ाया गया। तो अंततः में फाइनल माने उसका वेतन में क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है, तब ना पता चलेगा कि लाभ अथवा हानि। नहीं, अगर मान लेते हैं किसी का वेतन 100 रुपया है और कमाते बढ़ाते अगर वेतन 90 रुपया हो गया तो हानि ना हो जाएगा, और अगर कमाते बढ़ाते अगर 110 हो गया तो लाभ हो जाएगा, है ना। तो देखिए इस प्रश्न को एकदम बहुत ही आसानी से समझते हैं पहले बेसिक, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले सवाल को अगर हम ये जान लेंगे कि मोहित का वेतन शुरुआत में है कि नहीं, तो हमको मालूम नहीं है, नहीं ना मालूम है। तो अगर हम मान लेते हैं कि शुरुआत में मोहित का वेतन कितना है, 100 रुपया, तो अगर मोहित का वेतन शुरुआत में 100 रुपया है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपको कहा कहा गया कि 10% कमाया गया। तो बताइए 10% कमाने के बाद उसका वेतन कितना हो जाएगा जी, बता दिए ना कि 100 गुना कम रहा था 100-10/100, फाइनल कितना हो गया, 100 में से 10 गया था, 90 रुपया हो गया ना। अब कह रहा है कि इसी के वेतन को फिर क्या किया गया, 10% बढ़ाया गया, यानी कि अब लिखेंगे 10% बढ़ाने के बाद वेतन 90 पहुंच गया है। अब इसको 10% बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 90 गुना 100+10/100 क्या होगा,
90 दूना 110 बटा 100 ठीक ना। अब यहाँ से देखिए 99 रुपया यानी अंततः वेतन क्या हो गया 99 हो गया। तो वेतन कम गया कि ज्यादा? कम गया ना। इसका मतलब कि जरूर उसको हानि हो गया क्योंकि शुरुआत का वेतन कितना था 100 रुपया, हो गया कितना फाइनल? हमको ये ना पूछा कि अंत में लाभ होगा या हानि, तो हानि होगा ना। और कितना परसेंट का हानि हुआ? 1% का लॉस हुआ। 100 में से 99 घटा दो 1 रुपया आया, क्योंकि 100 के टर्म में है ये 1 रुपया कम चाहे 1% का, बात बराबर है। एक्स मान के बनाया तो ये बन जाएगा, हां बन जाएगा परसेंटेज से देना। एक्स मान के करेंगे क्या लगे, थोड़ा सा ज्यादा हमको लंबा होगा। अब इससे भी आसानी से समझिए, एक रुपया करिए चाहे 1% करिए कोई दिक्कत। अब इससे भी आसानी से देखो, मान लिया जाए बहुत सारा विद्यार्थी को लग रहा होगा कि थोड़ा सा मैंने टफ है, लेकिन देखिए अब आपको हम ऐसा चीज बता रहे हैं कि बहुत आसानी से आपको और जल्दी बनेगा। अगर मान लेते हैं कभी आपको दे देगा 10% ना देकर यहाँ दे देगा कि 20% कमाया गया, फिर आपको दे सकता है कि 30% बढ़ाया गया 20-30 यानी कोई भी डिफर हो सकता है, दोनों कंडीशन दे सकता है कि यहाँ 20% कमाया फिर 30% कमाया, नहीं या ऐसा भी दे सकता है कि 20% कमाया और फिर 20% बढ़ाया, कुछ भी दे सकता है चाहे कैसा भी कंडीशन क्यों ना दे। अब आपको बस देखिए इसका दम शॉर्ट में ही दिमाग लगाना है कि आपको जो भी दे चाहे जैसे कहे, शुरुआत में जो कहेगा वही हम लिखेंगे। शुरू में क्या कहा 10% कमी, तो यहाँ लिखेंगे -10। ध्यान देना इस बात को, दम हमेशा हर प्रॉब्लम पर लागू हो जाएगा और तुम्हारा जो दम सटीक आंसर होगा। शुरुआत में क्या हो रहा है माइनस दस कर दिए, फिर क्या हो रहा है वृद्धि, तो प्लस 10 करेंगे तो दिक्कत। अब ये दोनों को गुना करो, प्लस गुने माइनस क्या होगा माइनस 10 गुना 10 भागा 200 से ठीक है। ये जीरो से जीरो खत्म, माइनस 10 प्लस 10 जीरो, खत्म कहानी। फाइनल क्या हुआ माइनस 1। अब देखिए यहाँ अगर माइनस 1 आ गया इसका मतलब खुद बताएगा कि हानि में चला गया, यही से हम बता देंगे जो हमारा नेगेटिव आया तो लिख देंगे कि 1% का हानि। और कभी संजोग से अगर प्लस 1 आ जाता तो लिखा था 1% का लाभ, तो ये आसान है ना, यही से है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर देखते हैं। देखिए आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, सबको ध्यान से देखो तीसरा क्वेश्चन। एक वस्तु की कर, कर मतलब था टैक्स, टैक्स की दर को में 20% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत, खपत माने खर्चा, खपत में 20% की वृद्धि कर दी गई तो धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, अब आप ही सोचिए कि अगर हम मान लेते हैं कि वस्तु पर टैक्स कुछ रहेगा हमको 1 रुपया और अगर मान लेते हैं कि खपत रहेगा 2 रुपये प्रति इकाई, नहीं बेसिक बनाना होगा। हम लिखेंगे ना जी कि अगर हम कर को मान लेंगे एक्स वाला मामला और अगर हम दर को खपत वाला मान लेंगे कि वाई प्रति यूनिट मान लेंगे, अगर तो एक यूनिट पर अगर वाई खर्चा होगा तो अगर एक इकाई पर टोटल कितना खर्चा होना चाहिए एक्स गुना वाई। देखो बेसिक करेगा थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हम चलते हैं शॉर्ट में। हम लोग जो अभी सीख गए कि अगर शुरुआत में क्या करेगा कि जैसे माइनस 20 कह रहा है तो यहाँ लिख देंगे माइनस 20 है ना, फिर क्या कहा प्लस 20, यहाँ लिखेंगे प्लस 20, अब माइनस प्लस माइनस 20 गुना 20 भागा 100 तो दिक्कत। ये देखिए तो खत्म हो जाएगा और यहाँ से देखिए 20 पंचों के फाइनल क्या आया -4 आया ना जी, तो -4 आएगा तो ऑटोमेटिक बताएगा कि नेगेटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा कह रहा है कि धन प्राप्ति पर 4% क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा कि जितना हमको धन प्राप्त होना चाहिए 4% कम प्राप्त होगा ऐसा होने की वजह से। प्रेशर कितना 4% कमी ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कितना आसानी से बन गया। देखिए अब आप लोगों के सामने बोर्ड पर 4 नंबर क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षा में आता है ऐसा सवाल, और यह सवाल आपके क्षेत्र विधि से भी संबंधित है और परसेंटेज में कैसे इसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न आपका क्या है कि यदि एक आयत की लंबाई को 37.12% बढ़ाया जाता है और इसकी चौड़ाई को 20% घटाया जाता है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, है ना सवाल है। तो देखिए इस सवाल का सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले इसको ना बेसिक से बनाते हैं,
और उसके बाद हमने शॉर्ट रन बनाए। बेसिक में अगर हम देखा जाए तो आयत के क्षेत्रफल की मामला आ रहा है, तो आयत के क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई मुझे चौड़ाई मान लिया जाए कि जैसे मेरे पास कोई आयत है ना, इसका लंबाई है इसका चौड़ाई है। शुरुआत के अगर देखा जाए मान लेते हैं कि क्षेत्रफल लेने के लिए आ तो इसका लंबाई गुना चौड़ाई निकल गुना b होगा होगा ना ऐसे ना देखो यहां शुरुआत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होगा ना जी। अब कह रहा कि लंबाई को कितना बढ़ा दिए 37.5% देखिए इसी लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो l गुना 100 प्लस 37.5 मतलब कितना होगा 37 गुना 74 1 76 बटा 2 तो 100 प्लस 75 बटा 2 बटा 100 करेंगे तो नया लंबाई हमको होगा यानी इससे हमारा क्या आ गया l गुना देखिए यहां से 100 दुनी 200 प्लस 75 275 बटा 2 नीचे 100 है ठीक है यानी कि फाइनल हो गया 275 l बटा 200 नया लंबाई है ना। अब देखिए नया चौड़ाई क्या होगा चौड़ाई में हमारा क्या कह रहा है 20% की घटाया गया है यानी क्या हो जाएगा b गुना 100 माइनस 20 बटा 80 80 बटा 80 कर रहा है 100 ठीक है ना। तो यहां से हमको क्या हो जाएगा कि b गुना 80 बटा 100 ठीक है यानी 80 b बटा 100 ये देखिए नया लंबाई और नया चौड़ाई हमको आ गया। तो इस तरह से नया क्षेत्रफल निकालेंगे हम तो नया क्षेत्रफल क्या होगा मान लेते हैं कि शुरुआत में a1 एरिया था और नया एरिया क्या हो जाएगा लंबाई गुना 27 ये अभी गुना हो जाएगा आपस में यानी कि 275 l बटा 200 200 को 2 गुना 100 भी लिख सकते हैं गुना 80 b बटा 100। अब देखिए इसको काट के हम छोटा कर रहे हैं 1 0 से 1 0 कट गया 4 दुनी 8 5 दुनी 10 यहाँ से देखिए 2 दुनी 4 2 से 50 50 को हम 5 गुना 10 कर देते हैं यहाँ से देखिए 5 सही कट जाएगा ना 5 25 5 25 फिर यह 5 से कटेगा 11 5 फाइनल 11 10 बी एल बी हो जाएगा काट कूट के 11 10 एल बी होगा। अब बताइए शुरुआत में हमारा ये एल बी है अब हमारा क्या 11 LB/10 ये बताइए ज्यादा है कि कम है शुरुआत का एल बी और ये हमारा हो गया एल बी का 11/10 गुना ज्यादा है कि कम ज्यादा है सर ज्यादा है ना जी जी सर तो बताइए कितना ज्यादा है 1.1 देखेंगे कि वृद्धि कितना हुआ इसको मैं इसको जो घटा देंगे वो हमको निकल जाएगा वृद्धि देखिए बेसिक में थोड़ा सा समय ज्यादा लगा सीखने के लिए बता रहा हूं 11 LB/10 माइनस एल बी यही वृद्धि हुआ पहले घटाइए इसको ग्यारह एल बी माइनस 10 LB बराबर LB/10 हो गया नहीं वृद्धि हमको तो यही ना पूछ रहा है कि फाइनल क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताना है अभी तो पता चल नहीं गया कि वृद्धि है कितना परसेंट वृद्धि तो हमारा LB/10 वृद्धि हुआ नहीं यानी शुरुआत से इतना ज्यादा तो अब बताइए कितना परसेंट वृद्धि तो प्रतिशत वृद्धि के लिए हम लोग क्या करेंगे वृद्धि गुना 100 LB/10 गुना 100 और किस में बढ़ा है तो LB में बढ़ा है तो नीचे क्या लिखा आएगा LB कट जाएगा 1 0 से 0 आंसर कितना हो गया 10% है नहीं इसी को ऐसे भी हम लिख सकते हैं लिखेंगे हम ये LB में कितना बढ़ा LB/10 इसलिए 1 में कितना बढ़ा LB/10/LB ये कट जाएगा तो यहाँ आएगा 1/10 इसीलिए 100 में कितना बढ़ा प्रतिशत की गणना करने के लिए एक ही बात है फाइनल आ जाएगा 10% होगा ना। देखिए अब आपको बेसिक में समझ आओ इस सवाल को बेसिक बनाने में समय कितना लगेगा और कंपटीशन के एग्जाम में इतना समय रहता नहीं है और इसी को हमको बहुत जल्दी शॉर्ट में बनाना है। देखिए अब बेसिक में आपको समय लगेगा ज़्यादा ना अब शॉर्ट में जब बनाना है तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि शुरुआत में क्या कहा बढ़ा रहा है तो 37.5/2 बढ़ रहा है जी 37 × 74 = 75 क्या हुआ प्लस में ना तो लिखेंगे 75/2 इसके बाद चौड़ाई को क्या किया गया 20 बढ़ाया गया ना तो लिखेंगे माइनस 20 इसके बाद हम क्या बताएं प्लस माइनस गुना होगा तो प्लस गुना माइनस क्या होगा
माइनस यानी 75 बटा 2 बटा 20 भागा में क्या करना है 20 100 तो बटा 100 कर देंगे हम। अब इसी को हल करने पर जो मेरा आएगा वही आंसर होगा। नहीं 100 भाग कर रहा है देखिए 20 25 5 से 15 25 75 तो 15 बटा 2 हो गया यानी कि 75 बटा 2 माइनस 20 माइनस 15 बटा 2 फाइनल तो यही हुआ ना। अब बताइए लघुत्तम करेंगे 2 हो गया 75 एक दूनी दी तो 20 दूनी 2 इकाई 2 तो 15 तो क्या हो जाएगा 75 माइनस 40 15 55 बटा 2 75 में से 55 गया तो कितना 5 में से 5 गया था 0 20 में से भाग देंगे 10 आएगा सर बिल्कुल करेगा 10 आया नहीं 10 का मतलब क्या बढ़ाएगा क्षेत्रफल में हमको 10% का वृद्धि। अब कंपटीशन के एग्जाम में हम इतना जल्दी बनाएंगे कि इतना जल्दी बनाएंगे इतना जल्दी बनाएंगे शॉर्ट में भी बताया हुआ है आप जो करोगे आप क्या बनाना चाहेंगे समझ में आ गया ना समझ में आया यस सर इसका कोई सर्टिफिकेट इस्तेमाल करें समझ में आया तो उतारिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।